देखिए अभी हम लोग जहाँ आए हैं ना, यहाँ पे आप आए तो है जैकेट पहन के और निकलिएगा जैकेट खोल के, क्योंकि क्योंकि मटन का एकदम सॉलिड जगह है। 300 kg आउना मटन एक दिन में निकल जाता है। अपने आए हैं पटना, पटना में चंपारण मटन तो खाना ही है। चंपारण मटन वो भी राजू भैया का पुराना असली यही बा बुझला यही बा। चलो अंदर जाके देखते तो अंदर आते हैं दिखाते हैं। पहले अंदर आइए आइए आइए। ये जो आप इतना सारा हांडी देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे मटन और चिकन से भरे हुए हैं, ठीक है। और ये थोड़ी देर में रिप्लेस हो जाएगा, तुरंत खाली हो जाएगा, फिर से रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हांडी निकल रहा है। पसंद के लोग तौल से यहाँ पे दिया जाता है, तौल करके आपको मटन दिया जाएगा। केजी के हिसाब से यहाँ पे होता है सब कुछ। दे दीजिए भैया, ऐसा नहीं कि मटके में जो भी है वो चला जाए, अलग से वे करके देन दे। हाँ, आपको तौल के देंगे और जो पीस आपको चाहिए वो पोच के देंगे। नली सीना चाप रान सब चलता है। ये क्या है बॉस? अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बम्पिलाट लिट्टी, ठीक है। ये छोटा साइज का नहीं, साइज देख लो इसका। ये बचपन में हम लोग खेलते थे, एक दूसरे को मारते थे, बम पार्ट वही वाला है क्या? ये है कि खाइए और एक लिट्टी में मन भर जाएगा, ठीक है। जबरदस्त लिट्टी का टेस्ट होता है यहाँ पे। और ये मटन के साथ खाया जाता है, मटन के साथ खाया जाता है। मटन और लिट्टी बिहार का बहुत फेमस खाना है। अच्छा भैया जरा आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष पटेल हुआ। अच्छा आप यहाँ के ओनर हो? नहीं, ओनर तो है राजू रंजन। राजू जी, ठीक है। कितना साल पुराने ये जगह? बहुत दिन हो गया, 2014 से। 2014 सबसे पॉपुलर यहाँ पे क्या आइटम है? बस अहुना मटन। अहुना मटन कितना रुपये है प्लेट? प्लेट आपको 265 रुपये का होगा, जिसमें चावल साथ में मिलेगा। चावल के साथ आएगा जी सर, ठीक है। और दुकान का टाइमिंग और लोकेशन जरा बता दीजिए। वही तारामंडल, विद्यापति मार्ग तारामंडल, ठीक है। और कितना बजे से कितना बजे खुला है? वही आपको 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात वही 11:30 तक मिलेगा। चलिए आप हमको प्लेट लगा लीजिए, लेट्स टेस्ट आपका दुकान है। ये जो तरीका है, आप कहीं भी और जगह देखिएगा ना, तो ढक्कन खोल देते हैं और फिर चला के बनाते हैं। यहाँ क्या है ना कि नहीं, पूरा सील रहेगा। अच्छा, और जब पूरा अरोमा पूरा मिक्स जाएगा। हाँ, जब तक पकेगा नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं। अच्छा, समझ गया। तो पकने का टाइमिंग प्रेशर कुकर जैसा, ये सीटी मारने से शुरू हो गया। फेमस चुस्ता चुस्ता दिखाइए। अरे बाप रे, ये है देखिए बिहार का फेमस चुस्ता, ठीक है। और इंटरनेट के एकदम वायरल कंटेंट है चुस्ता। ये है आपका स्टू, मटन स्टू। कितना की प्लेट है ये? 150 रुपए में दो पीस। स्टू जो कोलकाता में मिलता है वो अलग है। अच्छा। ये मटन करी। हाँ, वही मुझे लग रहा है, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। स्टू नॉर्मली व्हाइटिश व्हाइट होता है, इसमें देखिए सब ये फैट का है, थोड़ा दिख रहा है। इसको आप स्टू बोलते हो यहाँ पे। ये हमारे लिए भैया, हमारा जो चॉइस है वैसा टाइप का स्टू निकाल रहे हैं। बस बढ़िया, चलिए दीजिए। ये चर्बी को देख के मुझे आलू लगा। ये क्या है भैया? गार्लिक लहसुन। लहसुन देखिए, अहुना मटन में लहसुन पड़ना ही पड़ना है। हमारा हो गया 300 ग्राम। कितना ले रहे हैं आप? 200 ग्राम ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, हिसाब किताब। सो व्हेन यू आर मेजरिंग, दे ओनली कैलकुलेट द मीट, उसके ऊपर जो भी ग्रेवी वगैरह आ रहे हैं दैट्स नॉट कैलकुलेटेड। सो दैट्स 200 ग्राम। इसको हम लोग खाएंगे लिट्टी के साथ। तो चलिए खाना आ गया अपना। आपको स्पेशल चीज खिलाते हैं, इसको बोलते हैं लर। लर लर और चुस्ता, ये बहुत फेमस है। When I came here, I thought I'm going to wet my appetite, but I think I'm very close to losing my appetite seeing some of the stuff here. But we are here for the champaran meat. Champaran meat. It's prepared in handi. Handi. ठीक है, this is champaran meat. This is a good shank like piece over here. We're use little gravy. आप उठा लो पहले। आप piece उठा लो ना। नहीं नहीं, piece उठा लो। बटो आ। चलो gravy थोड़ा सा ले लेते हैं। इसको किस, बाप रे, just look at the amount of oil this one has. I think इससे बेहतर होगा कि हम लोग इसको डिप करके खाएं, है ना? थोड़ा सा डिप करके खाएं। ये सलाद भी आ गया। तो इसको अंदर ये क्या है? What is the filling? सत्तू है। देखो इसको लिट्टी बोलते हैं। अच्छा। सत्तू है, आटे से बना हुआ है। ये ऊपर की कवरिंग आटे की है, अंदर में सत्तू है। सत्तू चने का भुना हुआ चना होता है। अच्छा। और बिहार का स्टेपल खाना है आपको। अच्छा। सत्तू हल्दा भी मिलेगा, लिट्टी हर जगह। रोस्टेड ग्राम्स, राइट? रोस्टेड ग्राम्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से ले, थोड़ा सा मटन लिए। मटन लीजिए। गर्म तो डेफिनेटली है, इसमें खास नहीं है। दूसरा पीस लेकर सॉफ्ट है, ठीक है। मटन के साथ लिट्टी को डिप किया,
I was expecting this to be very very spicy. That's what I remember when I had champaran at Varanasi. But ये ज़्यादा spicy नहीं है. It looks more spicy. But it's spicy नहीं है. ज़्यादा नहीं. अब बहुत basic मसालों के साथ है. अच्छा, that is all. Next thing, ये देखो. ये लहसुन है. ठीक है. और इसको इस तरह खाते हैं. Suck it out. अंदर का जो भी gravy is there. You suck it out and what remains is just the garlic. अब next थोड़ा सा रोटी के साथ भी try करते हैं. I think the gravy is good. The piece I'm not very happy with, but the gravy is good. But what I'm noticing is that be it the chapati or the litti, it's a little underdone. It's not done properly. Even the roti, when you look at it, थोड़ा सा और सीख सकते हैं, है ना? Crowd की वजह से इतनी भीड़ होती है, इनको भी जल्दी 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 सारी चीजें करनी होती है. Next up, dikha rahe hai stew. This is a very different type of stew, like is already mentioned while we were getting this served. Ki Calcutta mein the normally the stew is a little bit more whitish hue, but over here the piece they made like is curry. more like a paya piece. हाँ, ये नली है, नली पाया. नली वाला. So yeah, low. और ये है. By the way, जो complaint मेरा चंपारण से था, इसका made लेकिन बहुत सही. So pretty. अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है? ये देखो. This is pure fat. ठीक है, दिस इज फैट. और ये यहाँ बहुत पसंद किया जाता है. जब खाने में आपको फैट देना जरूरी है, अगर नहीं दिया तो फिर वो मतलब कंजूसी कर रहे हो. कंजूसी कर रहे हो आप खा रहे हो तो फैट. हाँ हाँ, यू सीइंग रॉबिन हैव फैट. अरे अभी आपको बोला ना मैंने कि ये उतर जाएगा. ठीक है, और ये इसी सबसे उतरेगा. ये देखो, ये है पूरा एकदम. इसको ऐसा करके, ऐसा देखो, ऐसा करके खाली है. इट्स गुड. लेट्स ट्राई द मटन नाउ. मटन स्टू. आई थिंक व्हाट आई एम नोटिसिंग ओवर हियर, इट्स स्टिल अर्ली, आई एम नॉट वेरी श्योर कि यही चीज होने वाला है कि नहीं, बट खाना जितना रिच लग रहा है उतना ज्यादा है नहीं. व्हेन यू हैविंग इट, इट्स नॉट एज स्पाइसी और एज हेवी एज यू वुड थिंक. इज दैट ट्रू ओवर हियर? इट इज. आई थिंक दैट इज ओनली एट दिस आउटलेट. Only here. They are not serving very spicy food. बहुत ज़्यादा spicy नहीं serve कर रहे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं serve कर रहे. इनका क्या कहना है कि आप जो खा रहे हो आपके पेट को नुकसान नहीं करना चाहिए. आप तेल तो बहुत ज़्यादा है, वो no doubt तेल ज़्यादा है, but spices कम है. आपको और जगह जो लेके जाऊँगा वहाँ पर, जैसे अभी हमने मांगो ट्राई किया, it was spicy, बहुत मतलब छक झोर देने वाला है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे जगह में लोग तो डेली खाएंगे, रेगुलर खाएंगे. सो अगर ज़्यादा स्पाइसी होगा, इफ इट्स टू हैवी ऑन योर स्टमक, देन पीपल वोंट कम बैक अगेन एंड अगेन रेगुलरली. सो दैट्स अ वन वेरी गुड थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक, आए तो थे यहाँ पे चंपारण के लिए, बट मुझे यहाँ का स्टू बेटर लगा फॉर सम रीज़न, बी इट द पीसेस अदर टेस्ट. द स्टू इज वेरी यूनिक and I don't know, this is very popular, the champaran over here, but if you are coming you should definitely try this too. Stew is very good. मुझे भी ये पसंद आता है. champaran क्या है कि ये थोड़ा time लेके अगर cook होता है, क्योंकि देखो हांडी में पकना है, अगर बकरा पूरी तरह से पकेगा नहीं उसके अंदर तो वो soft juicy flavor नहीं आएगा. stew में क्या है, चला रहे हैं, चला रहे हैं, पका रहे हैं, खटनी ज़्यादा है and taste. it's not just one piece, even the second piece which I'm taking. hardly any meat in this. this has fat, bones, but not much meat. So this one is a disappointment. The stew is good. It tastes also very good. But there's not much meat in the ahuna which we were most excited about. The piece was so bad, we had to order a chicken. We ordered for some chicken champaran. Looks pretty soft. Try karo, Robin. Mutton se hum log kha nahi paaye. There was not enough. So we ordered for some chicken as well. What about you, Pallab? আমার তো মনে হচ্ছে দেখো গ্রেভি গুলো টেস্ট খুব ভালো লেগেছে আমার. সেটা চম্পারন মাটন হোক চিকেন হোক, গ্রেভি খুবই ভালো, স্পাইসি আছে, দেখে মনে হচ্ছিল ফুল স্পাইসি হবে, অতটা হয়নি, কিন্তু ভালো একটা জিনিস. এখানে যেটা স্টিউ ছিল ওটার মধ্যে খালি ফ্যাটি পেয়েছি, তো সেটা একটা বাজে পোর্শন, যে মিটটা সেরকম আর ট্রাই করতে পারলাম না.
টেস্ট ওয়াইজ গুড বাট সব কিছুই একটু হার্ড আন্ডার কুক অ্যান্ড পিসেসগুলোর মধ্যে মাটনের পিস যে মাটনের যে পার্টটা ওটা নেই ওটা কম ডিসঅ্যাপয়েন্টিং সেই হিসেবে।